الحرب من القوة، حسانيات حسانيات يزيديات يزيديات. हम गुनाहों में क्यों हैं, हमारे बच्चे गुनाहों में क्यों हैं, हमारे जवान गुनाहों में क्यों हैं, ये काले आलम में से कहां जाना चाहते हैं? और ये वाहिद ये सदा जो आज हम और आप देख रहे हैं, आज हम दिल्ली में और में इनवास कर रहे हैं, इसी तरह 18 मिलियन से ज्यादा लोग आज इराक में कर्बला में नजफ से कर्बला तक 18 मिलियन लोग पूरी दुनिया से जहां पे शिया भी है सुन्नी भी है जहां पे हिंदू भी है जहां पे सिख भी है जहां पे ईसाई भी है जहां पे मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग जमा होकर एक ही पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया वालों सुनो दुनिया वालों याद रखो आज के इस पुराशुभ दौर में भी अगर हम और आपको सही रास्ता दिखा सकता है तो वो राह राह कर्बला है। इन सब का एक ही मकसद है एक ही हदफ है वो ये कि इस पूरी दुनिया को बताए कि ये दुनिया वालों अगर चाहते हो नजात अगर चाहते हो आज की दुनिया में परेशानियों से नजात चाहते हो तो आओ जुलूस आवा अब्दुल्लाह हुसैन में शरीक हो जाओ। इस नाते मैं सबसे पहले ऑल करगिल स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन की जानिब से सबसे पहले हुकूमत हिंद बिलखसूस दिल्ली की हुकूमत और उनकी पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में आज के इस जुलूस का सेशन के साथ बेहतरीन अंदाज में हमारे और आपकी खिदमत की है। इस नाते हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ में हमारे यहाँ जितने भी शिया अंजुमने हैं बिलखसूस जो आज के इस जुलूस में जिन्होंने शिरकत की है मेरे हिसाब से तकरीबन 6 लाख के करीब शियायान हैदर कर्रार मुख्तलिफ शहरों से रियासतों से यहाँ जमा हुए हैं। मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से अबा अब्दुल्लाह हुसैन के इस मैसेज को पूरी दुनिया वालों तक पहुँचाने में मदद की है। लिहाजा अगर हम और आप कल कर्बला में सन अक्सर हिजरी में नहीं थे तो लिहाजा आज हम और आप ये साबित कर रहे हैं या अबा अब्दुल्लाह हुसैन आप और आपके अंसार का मिशन हम नहीं बोले हैं। जिस दौरान आपने कहा था मुझ जैसा यजीद जैसे की बात नहीं कर सकता तो या अबा अब्दुल्लाह हुसैन हमारी माँ बहने हमारे जवान हमारे बुजुर्ग हमारे बच्चे आपके बच्चों के हमसदा आपके जवानों के हमसदा आपके खवातीन के हमसदा एक ही सामने खड़े होकर मरकज जोर दो से